दिनकर की ये पंक्तियां हैं और कहते हैं, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता है न सोता है। अगर हम ये कहें, स्वच्छता की जब बात आती है, हम सब जानते हैं खुले में शौच जाना गलत बात है, इसके अलावा गंदगी फैलाना बुरा है, बीमारियां फैलती हैं इससे, बच्चे बीमार होते हैं और फिर हमारा जो पैसा है इसी बीमारी को ठीक करने में खर्च होता है। तो लगता यही है कि हम जानबूझकर अनजान क्यों बनते हैं ना। तो अब नहीं बनना है, बस यही प्रण करना है आपको। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है अमिताभ खरे जी को। आप रेल मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले स्वच्छ भारत में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। लेकिन अमिताभ जी, रेलवे की बात हम शुरू करें, उससे पहले क्यों ना स्वच्छ भारत की थोड़ी सी बात हो जाए जी। कि ये जो हम खुले में शौच की समस्या है, कूड़े की बात है कि अपने घर की सफाई की और बाकी सब छोड़ दिया कि बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, ये जो हमारी सोच है, मानसिकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं तीन स्तरों पर देखना चाहता हूँ, स्वच्छता की जो का प्रश्न है। एक तो वैयक्तिक स्तर पर इसको देखने की ज़रूरत है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहने के कितने आदि हैं और हमारी मानसिकता क्या है जी। दूसरा स्तर इसमें ये होता है सामाजिक स्तर, हम लोग समाज के तौर पर क्या स्वच्छता के बारे में सोचते हैं। तीसरा सांस्थानिक, इंस्टीट्यूशनल। तो हम व्यक्तिगत की बात करें तो सामान्यतः भारत में व्यक्तिगत स्वच्छता और शुचिता का तो चलन है, लंबा इतिहास भी है। ज़्यादातर लोग नहा धो करके ही पूजा पाठ करते हैं, खाना पीना करते हैं, तो एक व्यक्तिगत स्वच्छता की बात है। कुछ अपवाद हैं, जैसे स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ियां शहरों में या कई जगह गाँव में, वहाँ पर स्वच्छता का व्यक्तिगत रूप से भी उतना देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें आ जाती है शिक्षा और संस्कार की। जहाँ जहाँ हमने देखा है कि हमने अच्छी शिक्षा दे रखी है और माहौल और संस्कार अच्छा है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता ज़्यादा है, जहाँ नहीं है वहाँ स्वच्छता कम है जी। लेकिन जब हम सामाजिक स्तर पर आ जाते हैं तो बड़ा स्थिति थोड़ा शोचनीय हो जाती है। हम अपने साफ रहते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन जब समाज में बाहर निकलते हैं तो हम गंदगी फैलाने लगते हैं। कई बार इसमें एक संरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी होती है। जैसे शहरों में हम देखते हैं सड़कें हैं जी, दोनों तरफ नालियां हैं, अगर बड़े शहर हैं तो ढकी हुई भी हैं और उससे निकास हो रहा पानी का। गाँव में जाइए तो इस तरह की स्थिति नहीं है, तो घरों से गंदा पानी या मैला निकल करके गली के बीच में बहता चला जाता है। ना तो इसके दरवाजे से निकल सकती है नाली, ना उसके दरवाजे से निकल सकती है, तो बीच से निकलती जी। ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे नगर प्रबंधन या गाँव प्रबंधन से भी जुड़ी हुई हैं। तो वो हो गई हमारी सामाजिक स्तर पर जी। सांस्थानिक स्तर पर जैसे मैंने भी बताया कि हमने क्या नगर में या गांव में, ग्राम सभा में कैसी व्यवस्थाएं करी हैं और क्या हमने जो ये ज़रूरत है, क्या हमने वहां शौच के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं। अगर विकल्प उपलब्ध नहीं है तो लोगों को खुले में शौच में जाना पड़ेगा जी। क्या हमारे पास वहाँ विकल्प हैं, क्या ये संभव है? और दूसरा, क्या सीवर? अब जैसे एक संख्या मोटे तौर पे हम कहें कि देश में नगरों की संख्या लगभग 8000 के आसपास है जी, और उसमें से केवल 160 नगर ऐसे हैं जिसमें सीवर प्रणाली है। देखिए कितना बड़ा अभी भी अंतर है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ सीवर प्रणाली नहीं है वहाँ ये चल नहीं सकता। तो हमें सीवर प्रणाली बहुत महंगी होती है, फिर इसके बाद सीवर जब एक जगह जाता है तो उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम उसका जो है उपचार ना करें तो हमारी नदियाँ तालाब वो गंदे होने लगते हैं। तो फिर हमारे पास क्या वैकल्पिक साधन है? जैसे एक
प्रयास किया था सुलभ शौचालय वगैरह का, इस तरह के विकल्प बनाए जाएं जो सुगम हो, सुलभ हो, सस्ते हो, ताकि लोग जो है उनका इस्तेमाल कर सकें। तो तीनों स्तर पर, व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्थानिक स्तर पर हम स्वच्छता की बात को सोचेंगे, तभी इस पर हम कुछ कर पाएंगे, सही बात है। और विकल्प भी आपने ये बात की है, उसको थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है कि जब आप कह रहे हैं खुले में शौच में ना जाके लोग घर में ही शौचालय की व्यवस्था हो, ये बहुत बड़ा पहलू है और इसी को बार बार समझने की जरूरत है कि मानसिकता किस तरह बदली जाए। इधर हम देखते हैं अमिताभ जी की, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक पहल की है और सभी को, पूरे भारतवर्ष के सब आम जनमानस को जोड़ने का प्रयास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन्होंने किया है। और इधर हमने देखा कि जब वो बनारस गए, वहाँ उन्होंने फिर कुछ लोगों को जो है इस चीज़ के लिए मनोनीत किया, उन्होंने नामांकित किया, उन्होंने नामित करके ये कहा कि आप लोग शामिल होइए। वो हर क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं और उनसे ये आगे कह रहे हैं कि और लोगों को शामिल कीजिए, हर जगह यही आह्वान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2019 तक देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का है। मोदी जी समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुद भी साफ सफाई कर लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने बनारस के घाटों पर साफ सफाई की। आज गंदगी के कारण एवरेज एक गरीब को 7,000 रुपया दवाई का खर्चा आता है, अगर हम स्वच्छता कर लें तो गरीब का 7,000 रुपया बच जाता है। 3 लोगों का परिवार है तो 21,000 रुपया बच जाता है। इस स्वच्छता का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा अर्थकारण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और स्वच्छता ही है जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी आवश्यक होती है। कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है जब इसमें ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन से जोड़ने और उनके सहारे साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मोदी जी ने समाज के नामचीन हस्तियों को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनमें हास्य कलाकार कपिल शर्मा, नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, भरतनाट्यम नृत्यांगना सोनल मानसिंह, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, जाने माने कारोबारी रामोजी राव और अरुण पुरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया और मुंबई के डब्बा वाले शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ सफाई की। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित थीं। देश में अलग अलग स्तर पर हो रही इन कोशिशों से ये उम्मीद बंधती है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का लक्ष्य जरूर साकार होगा। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है, आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है, आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है, और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बनारस से हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भारत को हमें स्वच्छ करना है। अमिताभ जी, विकल्प की हम बात कर रहे थे अभी इस देखने से पहले ये रिपोर्ट, तो यहाँ पर खुले में शौच की समस्या एक है जिसका विकल्प आप कह रहे होना चाहिए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब शौचालय उपलब्ध हैं जहाँ पर, वहाँ भी आदतें नहीं बदली हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत, ये जो अभियान है इसके अंतर्गत अब ये किया जाएगा कि शौचालय तो बनते पहले से आ रहे हैं लेकिन अब उसका इस्तेमाल लोग करें ये सुनिश्चित किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? शिक्षा, संस्कार और आदत,
ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें कोई जैसे न केवल हमारे अध्यापकों का रोल है, हमारे जितने भी परिवार में लोग बड़े लोग हैं या समाज में जो लोग बड़े लोग हैं उन सब का योगदान होता है एक समाज में संस्कार और शिक्षा डालने का। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो देखिए ये एक अनूठी सोच है कि एक ऐसा विषय जिसको सामान्य तौर पर बड़ा छोटा या नगण्य समझा जाता है, उसको प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने अपने स्तर पर उठाया। उन्होंने खुद भी कहा कि लोग कहेंगे कि मैं स्वतंत्रता दिवस के जैसे बड़े अवसर पर इतनी छोटी बात क्यों कह रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये देखें कि खाली स्वच्छता की कमी से हमारे यहाँ स्वास्थ्य का कितना बजट है, कितने बच्चे को जो है वो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, संक्रमित कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, और जो हम खर्चे करते हैं बाद में इलाज के मामले में, उनको सबको देखें, और जो हमारी छवि पूरे देश की है जी। हमारा देश शायद ईश्वर की कृपा से बहुत संपन्न है, चाहे प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सौंदर्य के रूप से, या हमारे जो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत विविधताएं हैं। लेकिन जो भी कोई विदेशी पर्यटक बाहर आता है या हम ही जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो गंदगी हमको जो है एक उसको सारे घूमने के मजे को खराब कर देती है। तो वो छवि की भी बात है। अब इतना बड़ा काम देखने में छोटा लग सकता है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठाया तो दो बातें हो गई। देखिए एक तो ये है कि वो प्राथमिकता में आ गया। बिल्कुल। जब शासन की प्राथमिकता में आ जाता है तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी तरफ शासन की मशीनरी का ध्यान ज़्यादा जाता है और उधर ज़्यादा चुस्त दुरुस्त काम होने लगता है जी। निरीक्षण ज़्यादा होने लगते हैं। दूसरा, संसाधनों की कई कमी होती है। हर काम में इसमें पैसा बहुत लगता है, मशीनें सफाई की लानी है उसमें पैसा लगेगा निश्चित रूप से। हमारे यहाँ रेलवे में प्लेटफॉर्म के बीच में स्टेशंस में हम सीमेंट से वॉशेबल एप्रन बना देते हैं, तो जब वो सीमेंट से पूरा एंड प्लेटफॉर्म बन जाता है पटरी के नीचे तो हम उसको पानी से धुलाई कर सकते हैं जी। वरना वो जो मल है वो वहीं पड़ा रहता है मिट्टी में और उसको उठाना मुश्किल होता है। तो अब सीमेंट से अगर हमको एप्रन बनाना है तो उसमें भी पैसा लगता है। तो जब स्वच्छता एक प्राथमिकता में आ गया सरकार की तो वहाँ पर संसाधन भी बढ़ते हैं, तो इससे फर्क तो पड़ता ही है। अमिताभ जी, यहाँ ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम रेलवे की पूरी व्यवस्था देखें तो किलोमीटर्स के लिहाज से अगर देखें ट्रैक जो हमारे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि कितना है ताकि लोग ये समझें कि वो कितना नुकसान देश का कर रहे हैं। देखिए रेलवे बहुत बड़ा तंत्र है। आपको बताऊं हमारे लगभग 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा रूट है। ट्रैक तो 115,000 किलोमीटर है जी। मतलब जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे 3-4 पटरियां होती हैं, अगर हम पटरियों को जोड़ें तो 115,000 किलोमीटर है, लेकिन 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रूट है हमारा। अब इस 65,000 किलोमीटर के में हमारे पास लगभग 7,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, बड़े छोटे मझोले मिला करके। हम लोग लगभग 12-13 हज़ार यात्री गाड़ियां प्रतिदिन चलाते हैं, 12-13 हज़ार, जिसमें लगभग 2,30,00,000 यात्री सफर करते हैं। क्या बात है, 2,30,00,000 जो है बहुत से देशों की जनसंख्या नहीं है जी। वो हमारे यहाँ रोज सब यात्रा कर रही होती है। सफाई की बात ले लें तो हम आप ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया में इतना बड़ा खुला शौचालय कहीं नहीं होगा 65,000 किलोमीटर का, और लगभग 65,000 हमारे पास कोचेज हैं जी। अगर हम उनमें टॉयलेट्स की बात करें, 4 टॉयलेट्स भी लगा दें तो लगभग 2,50,000 टॉयलेट्स हैं। इनकी रोज की सफाई, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। रेलवे की जब बात आती है, अपने आप में पूरा इतना बड़ा तंत्र है जिसमें तकरीबन 2,30,00,000 के आसपास, जिस तरह बता रहे हैं अमिताभ जी, की लोग जो है सफर करते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि उसकी साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी, हम ये भी समझेंगे कि उसमें आम जनमानस यानी आप और हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं, एक तो गंदगी ना फैलाएं इसको लेकर, और साफ सफाई बनी रहे इसको लेके। उनसे ये भी समझेंगे कि जब तंत्र और व्यवस्था की बात आती है तो किस तरह का मैकेनिज्म चाहिए ताकि हम और देशों को देखकर अपने यहाँ भी पूरा जो ये रेलवे का सिस्टम है इसको साफ कर सके, जानेंगे उनसे ये सब। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं, बच्चों की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि बाल दिवस पर भी बहुत से कार्यक्रम हुए उनको स्वच्छता से अवगत कराने के लिए, तो ऐसी एक रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं दक्षिण से। वहां पर स्कूलों में बच्चों को किस तरह से प्रेरित किया गया, आइए देखते हैं। विद्यालय का महत्व हम सबके जीवन में बेहद खास है। स्कूल में मिली शिक्षा के सहारे ही
हम जीवन पथ पर बुलंदियों को छूने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि स्कूल का वातावरण साफ सुथरा हो, जिससे छात्रों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दक्षिण भारत के बंगलुरु शहर के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालय हेब्बाल में भी साफ सफाई के प्रति छात्रों में जागरूकता देखने को मिली। छात्र विद्यालय परिसर को साफ रखने के लिए समय समय पर सामूहिक प्रयास करते हैं। स्कूल में लगे वृक्षों से टूटकर पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे विद्यालय परिसर बहुत हद तक गंदा हो जाता है। छात्र इन सूखे पत्तों को कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली के सहारे नियत स्थान पर फेंकते हैं। इन छात्रों की गतिविधियां देखकर सहजता से ये बात महसूस होती है कि इन्हें स्वच्छता की अहमियत भली भांति पता है। छात्र स्वच्छता संबंधित संदेश के सहारे भी समाज के अन्य लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। छात्रों के मन मस्तिष्क पर शिक्षक की बातों का गहरा असर होता है। स्कूल के अध्यापक भी बच्चों को समय समय पर साफ सफाई से संबंधित जरूरी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे छात्र इसकी महत्ता को समझकर इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। केंद्रीय विद्यालय हेब्बाल के शिक्षकों ने छात्रों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालय की साफ सफाई की। आने वाले समय के भविष्य ये छात्र जिस मनोयोग से स्वच्छता कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं, उससे इस बात की उम्मीद बंधती है कि 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हम जरूर हासिल कर लेंगे। घट नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो ये देखा हमने दक्षिण में किस तरह से स्कूलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है सफाई के बारे में। अमिताभ जी, हम रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, तो आम जनमानस थोड़ा सा ये समझें आपसे कि कैसे गंदगी जो है उसको फैलाने में योगदान कर रहा है और किस तरह से सफाई में योगदान अब कर सकता है। देखिए, बिना आम जनता के सहयोग से तो रेलवे में सफाई संभव नहीं है। पहले तो हम देखें, हमारे चाहे प्लेटफॉर्म्स हों, वहाँ पर लोग गंदगी फैलाते हैं। हमारे जो कोच हैं वहीं बैठेंगे, वहीं पर खाना गिरा देंगे, मूंगफली के छिलके डाल देंगे, केले के छिलके डाल देंगे, तो वो भी गंदगी फैलाते हैं। और चाहे ट्रैक पे बहुत सा सामान फेंक देते हैं, पटरियों पे बहुत सा सामान फेंक देते हैं, प्लास्टिक बहुत फेंकते हैं, प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले हमको देखना है कि हमारे जो यात्री हैं या जो इस्तेमाल करने वाली जनता है वो अगर गंदगी ना फैलाए। अब इसमें हमको सांस्थानिक रूप से क्या करना है, हमको ये करना है कि वहाँ हम सुलभ ढंग से डस्टबिन उपलब्ध करा दें, ताकि अगर किसी के कोई कूड़ा फेंकना है तो वहाँ जाकर डस्टबिन में कूड़ा डालें। पिटूंस हम डाल दें कि लोग इधर उधर ना थूकें। अभी सफाई होती है, अभी पुताई होती है, लोग वहीं गंदा करके चले जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि डस्टबिन बगल में है, बिल्कुल, फिर भी लोग वहाँ तक जो है दो कदम चल के नहीं जाते हैं और जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर कूड़ा कर देते हैं। तो ये बात तो फिर अपनी मानसिकता की और सफाई की आ जाती है। हालांकि रेलवे ने एक और कदम उठाया है कि एंटी लिटरिंग एक्ट, ये है हमारे पास व्यवस्था, हम लोगों ने इसको कड़ाई से कभी पालन नहीं किया था। अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि अगर कोई लोग इस तरह से जानबूझकर गलती कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं तो उनको 500 रुपए का अर्थदंड जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और वो लगाया जा रहा है जी।
ये एक चीज़ हो गई। ट्रेन में जब चलते समय शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो वेस्ट नीचे गिरता है पटरियों में, उससे हमारी पटरियां भी जंग खाती हैं, करोड़ होती हैं, उनका भी नुकसान होता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भारतीय रेल ने बायो टॉयलेट्स की एक तकनीक ईजाद की, और उसमें क्या होता है कि बायोडाइजेस्टर टैंक्स हम लगा देते हैं कोच के नीचे, तो वेस्ट नीचे ज़मीन पे नहीं गिरता, उस टैंक में चला जाता है, और बैक्टीरिया के माध्यम से, इनोकुलम बैक्टीरिया हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर उसका जो है उसको बायोडिग्रेड कर देते हैं ताकि उसमें जो बदबू है वो ख़त्म हो जाए, सॉलिड वेस्ट ख़त्म हो जाए, पानी अलग से डिस्चार्ज हो जाए, केवल ऑर्डरलेस पानी निकल जाए और जो उसकी गंध नहीं हो। ये सारा एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें समझना होगा, बात फिर हमारी भागीदारी की हो जाती है, अमिताभ जी बता रहे हैं कि हम लोगों को ये समझना होगा कि हम किस तरह से गंदगी को बढ़ा रहे हैं, कहीं हम दोषी तो नहीं हैं। तो हम कहीं भी जाएं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हों, ये हमें देखना है कि निजी तौर पर, व्यक्तिक तौर पर हम क्या कर रहे हैं, क्या गंदगी फैला रहे हैं या साफ सफाई में सहयोग कर रहे हैं और लोग गंदगी ना फैलाएं इसमें ध्यान दे रहे हैं, ये हमें समझना होगा। बहरहाल हम ये ज़रूर समझते हैं कि देश भर में बहुत से प्रयास हो रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, तो आइए आपको लेकर चलते हैं इम्फाल और देखते हैं वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत के गांव में रहने वाले लोग साफ सफाई की अहमियत से अवगत होकर इसे अपने जीवन में उतार लें। स्वच्छ भारत मिशन से अधिक लाभ लेने के उद्देश्य के तहत मणिपुर की राजधानी में पूर्वी इम्फाल के ग्राम प्रधानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट की ओर से किए गए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्राम प्रधानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाना था, जिससे वे अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में हर संभव कोशिश कर सकें। इस सम्मेलन में स्वच्छ भारत ग्रामीण से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट के निदेशक एल स्वामीकांत ने इस क्षेत्र में पक्के शौचालयों की अहमियत पर प्रकाश डाला। पक्का टॉयलेट आप सैनिटरी लैट्रिन को देख रहे हैं, इसमें सेप्टिक टैंक नहीं है, इसके बदले लीज पिट है। सेप्टिक टैंक ज्यादा महंगा है, इसलिए सैनिटरी लैट्रिन बनाने में लीज पिट का ही प्रयोग हुआ है। मैं आपको लीज पिट का मॉडल भी दिखा रहा हूँ। लीज पिट में 3 फीट चौड़ी और 3.5 फीट गहरी 2 खाई का होना जरूरी है। लीज पिट में एक लाइनिंग भी होता है जो ईंट, पत्थर या लकड़ी का हो सकता है। सेप्टिक टैंक बनाने में 1 लाख से ज्यादा पैसा लग जाता है, जबकि इस सैनिटरी लैट्रिन के बनाने में केवल 12,000 रुपये में प्रबंध किया जा सकता है। साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने और स्वच्छ भारत मिशन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिहाज से इस तरह के प्रयास बेहद सार्थक हैं। तो हम आपको ये तो ज़रूर दिखाते ही हैं कि भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। अमिताभ जी, आप जैसा कि बता रहे थे सफाई को लेकर अब क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, DRDO का जिक्र भी आया कि एक नई कोशिश सामने आ रही है, तो सफाई के लिहाज से जो पूरा तंत्र है रेलवे का, वो व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, थोड़ा बताएं। देखिए, रेलवे में हमने स्वच्छता अभियान को सरकार की प्राथमिकता के तौर पर बहुत महत्व दिया है और उसके चलते हम लोगों ने नियमित रूप से एक तो अपने जो निरीक्षण हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, गुणवत्ता बढ़ा दी है, जो संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हमने उपलब्ध कराया है ताकि उनसे हम सफाई ज़्यादा कर सकें। जन जागरण के अभियान कर रहे हैं, अपने जो कॉलोनीज हैं वहाँ के बच्चों को साथ में लेकर लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को पूरे भारत में समस्त रेलवे स्टेशन पर एक विशेष
आयोजन किया गया था जिसमें गणमान्य लोगों को आमंत्रित करके और सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करके, हमारे यहाँ बहुत बड़ा तंत्र है स्काउट और गाइड का, वो बच्चे भी इसमें लग करके उन्होंने काम किया था। एक और नया काम हम लोगों ने किया है कि ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज, इसको बोलते हैं हम लोग, कि अब चलती ट्रेन में ही एक ऐसी टीम रहती है अपने साथ वो लेके मशीनें वगैरह ले करके, जो यात्रा के दौरान सफाई करते चलते हैं। अच्छा। पहले सफाई तभी होती थी जब वो किसी बड़े स्टेशन पर पहुंचती थी और तब सफाई होती थी, और अगर बीच में गंदगी हो गई, किसी ने गंदगी फैला दी, किसी को उल्टी हो गई या कोई परेशानी हो गई, तो उसको अगले स्टेशन तक प्रतीक्षा करना पड़ता था। अब इस टीम का मोबाइल नंबर कोच में लिखा रहता है और यात्री उसको बता सकते हैं और उनको बुला करके अपनी सफाई करवा सकते हैं। तो इस तरह के कई प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमें अपेक्षा ये है कि जो हमारे जो यात्री हैं वो अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है वो हम लोग भारतीय रेल को, भारतीय रेल के प्लेटफॉर्म्स को स्वच्छ करेंगे ताकि भारत की छवि और अच्छी हो सके और लोग ये रेलों में यात्रा का आनंद ले सके। हम कहीं भी जाएं पूरे भारतवर्ष में, रेलवे जो है बहुत सहयोग करता है, और हम जब देखते हैं स्टेशन पे उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो गंदगी देख के वाकई मन दुखता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम भारतवासी किस तरह का रहन सहन रखते हैं। तो ये हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने रेलवे प्लेटफॉर्म्स को, अपने स्टेशन को, अपनी रेल को किस तरह अच्छा रख सकते हैं, जो साधन है हमें अपनों से मिलाने का। तो आशा यही करते हैं कि इसी तरह से आप कार्यक्रम देखते रहेंगे और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहयोग करते रहेंगे। 2019 तक भारत को पूर्णतः स्वच्छ कर देंगे, इसी आशा, इस उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे अनुमति। लेकिन जाने से पहले अपना पता आपको बता देते हैं। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो अमिताभ जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों आपसे भी लेते हैं अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जम के